हाय फ्रेंड्स, पिछली वीडियो में आपने जाना कि दिव्यांगजनों के कल्याण हेतु एक अलग से जिला स्तरीय अधिकारी होते हैं, जिला दिव्यांगजन सशक्तिकरण अधिकारी कहते हैं। दोस्तों, ये अधिकारी अक्सर विकास भवन में बैठते हैं या अन्य कभी कभी किसी दूसरी जगह भी इनके जिला स्तर पर विभाग होते हैं, कार्यालय इनका होता है। दोस्तों, जिला दिव्यांगजन सशक्तिकरण अधिकारी का क्या कार्य क्षेत्र है, दिव्यांगजनों के लिए किन किन योजनाओं को यह देखते हैं और किन किन योजनाओं को नहीं देखते, मात्र उसमें दिव्यांगजनों का सहयोग कर सकते हैं, वो मैं आपको दिखाना चाहूँ। आप देख सकते हैं, ये योजनाएं हैं जो जिला दिव्यांगजन सशक्तिकरण अधिकारी के सीधे अधिकार क्षेत्र में होती हैं। दिव्यांगजन अधिकारी इन योजनाओं का लाभ आपको दिलाएंगे और पूर्ण रूप से दिव्यांगजन अधिकारी ही इसके लिए उत्तरदायी होते हैं। आप इन योजनाओं को देखिए और फिर इससे आगे, ये 5 योजनाएं हैं, फिर आगे की योजनाएं नंबर 6 से नंबर 9 तक की योजनाएं हैं, आप इसको रोक कर देख लीजिए। कुल 13 योजनाएं हैं जिनको दिव्यांगजन अधिकारी ही आपको लाभ दिलाएंगे। अच्छा, ये कुछ योजनाएं हैं जो सीधे नियंत्रण में दिव्यांगजन अधिकारी के नहीं होती, हालांकि इन योजनाओं का प्रचार प्रसार दिव्यांगजन अधिकारी कर सकते हैं। जैसे रेल पास की जो योजना है, वो चिकित्सा विभाग इसमें रियायती प्रमाण पत्र जारी करते हैं और फिर इसको रेल पास रेल विभाग बनाता है। दिव्यांगजन अधिकारी इसमें मात्र प्रचार प्रसार करते हैं और करना भी चाहिए। इसी तरह रोजगार मेला भी दिव्यांगजनों के लिए दिव्यांग कल्याण अधिकारियों को आयोजित कराना चाहिए सेवा योजन विभाग से सहयोग लेकर। लेकिन वैसे कोई योजना दिव्यांग विभाग में दिव्यांग अधिकारी के लिए ऐसी नहीं होती, लेकिन कराना चाहिए, नैतिक उत्तरदायित्व है। इसी तरह जो कच्चा मकान होता है दिव्यांगजनों के लिए, अगर किसी के पास है उनका मकान बनता है, उसमें सीधे सीधे जो BDO होते हैं, जिला स्तर पर विकास भवन में बैठने वाले अधिकारी, जिला विकास अधिकारी होते हैं, वो इसके लिए उत्तरदायित्व होते हैं, उन्हीं का काम होता है। अच्छा, राशन कार्ड की जो योजना है क्षेत्रीय स्तर पर, हमारे कोटेदार और सप्लाई इंस्पेक्टर और जिला स्तर पर DSO जिला पूर्ति अधिकारी उत्तरदायी उसके लिए होते हैं। इसी तरह ये कुछ योजनाएँ हैं, सामूहिक विवाह योजना, आयुष्मान कार्ड। अच्छा दोस्तों, दिव्यांग प्रमाण पत्र के बारे में एक बहुत ज़रूरी बात मैं आपको बताना चाहूँगा कि दिव्यांग प्रमाण पत्र का मात्र प्रचार प्रसार कर सकते हैं दिव्यांगजन अधिकारी, नहीं तो CMO द्वारा गठित मेडिकल बोर्ड, जिसमें बहुत सारे डॉक्टर होते हैं, वही इसको जारी करते हैं, उन्हीं का संपूर्ण अधिकार होता है। इसमें दिव्यांगजन अधिकारी का ना कहीं कोई साइन होता, ना कुछ होता, बिल्कुल भी दिव्यांगजन अधिकारी का इसमें कोई दखलअंदाजी नहीं होती, मात्र प्रचार प्रसार करेंगे दिव्यांगजन अधिकारी। रोडवेज बसों के लिए जो पास होता है रोड UDID कार्ड, इसमें भी दिव्यांगजन अधिकारी दिव्यांगजनों को जागरूक कर सकते हैं, उनका आवेदन करा सकते हैं, अपने कार्यालय से आवेदन कर सकते हैं, लेकिन उसको जारी CMO ही करेंगे, भारत सरकार उसको भेजेगी कार्ड को, बाकी दिव्यांगजन अधिकारी का कोई रोल नहीं होता है। इसी तरीके से राजस्व विभाग के मामले, दिव्यांगजनों के आधार कार्ड, इनमें भी दिव्यांगजन अधिकारी का कोई रोल नहीं होता, आप इसको रोक कर देख सकते हैं। तो हमारी ये कुछ योजनाएँ थी, धन्यवाद।